जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल देना इसको। हम लोग जा रहे हैं कैथेड्रल चर्च में, बूस्टर में ही है ये, काफ़ी बड़ी चर्च है। वहाँ जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे कैसी है चर्च, और यहाँ पे फ्लड अलर्ट भी आ रखा है तो आपको रिवर का हालत भी दिखाएंगे कैसे हो रखी है। कैसे जो डक्स है वो रोड पर घूम रही है वो भी दिखाएंगे हम लोग आपको। तो ये वीडियो का है पार्ट टू, तो अगर जिस जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो देख लेना, ठीक है। तो चलो चल रहे हैं हम कैथेड्रल। इतनी तेज धूप दिख रही है ना आपको, ये कुछ नहीं है, ये ऐसी है दिखावे के लिए, ठंड बहुत है, बोलते जाती तूफान है, फ्लड अलर्ट भी आ रखा है, साइक्लोन भी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है योगी में। ये धूप सिर्फ दिखावे की है, एक मिनट के लिए आएगी फिर गायब हो जाएगी, फिर एक मिनट के लिए आएगी, और कभी बारिश हो रही है कभी कुछ हो रहा है। हम तो कंफ्यूज ही हो रहे हैं बहुत ज्यादा कि क्या सीन है, क्या है सब कुछ, वेदर का कुछ समझ में ही नहीं आता है, यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग चर्च में हो आए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं रिवर साइड आप लोगों को दिखाने की क्या हाल है, कैसा हो रहा है सब कुछ। चल रहे हैं, बस देखो आप लोग। आप लोग देख लो स्वैन कहाँ तक है, रोड तक आ रखी है सारी, देखो वो देखो, ये लिटरली वो है लिटर बॉक्स, जो मतलब जिस जो डस्टबिन होता है ना वो है, वो किसी का घर डूब रहा है, सी बिल्कुल ही खत्म, देखो तो। और ये देखो, ये मतलब वो है कि जहाँ से मतलब पता लगता है कि इस डायरेक्शन पे जाना है हमें, और वो भी डूब रखा है, वो पैदल चलने वालों का रास्ता है। और ये देखो कहाँ तक आ रखी है स्वैन, देख रहे हो आप लोग, मतलब बिल्कुल ही फ्लड वाला माहौल हो रखा है यहाँ पे, देखो कितनी सारी है, और देखने में तो इतनी अच्छी लग रही है पर फ्लड अलर्ट आ रखा है, कुछ कर नहीं सकते हम लोग, हम लोग तो बस देखने आए थे कि क्या हाल है यहाँ के, तो देख लो आप लोग सब खुद ही कितना बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे। ठीक,
ये इसकी ना ऊपर की जो टफिंग है बहुत ज्यादा मीठी हो गए, पता है मुझे सब पता है बहुत ज्यादा मीठी ये वाला होगा। ऐसा नहीं है कि अब तुम होटल पे ले गए अपने ढाबे पे ले गए लेकर खा लेंगे, पहले खिलाओ आगे। चलो चलो मैं फोटो की तरह चलता हूँ। थैंक यू पाशा पे चलते हैं, पाशा पे चलते हैं, मैं दूंगा पार्टी तेरी पार्टी दोबारे दोबारे भाई कैमरे के सामने, कैमरे के सामने ना कैमरे के सामने मुंह करना नहीं, बोलो उन शब्दों को रिपीट करो गोल्डन वर्ड्स को भाई, सब भाई देख रहे हैं यहाँ मौजूद हैं। अर्णव जी कह रहे हैं कि ये दावत देंगे और ये व्लॉग भी डलेगा यूट्यूब पे कहीं। हाँ मुंह करना नहीं है क्योंकि आज वो सीन है, कहावत सुनिए तुमने बैल भी आ गया, इसके बर्थडे का व्लॉग चालू है, व्लॉग बन रहा है। तुम सोच रहे हो मेरे बर्थडे पे अपना भाई पार्टी दे रहा है यार। भाइयों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये भाई हमारे जो खड़े हैं ये पिछले 15 दिन से हमें भूखा रखा हुआ है, रोज हमें पानी पिला के आदमी कहता है कि मैं दावत दूंगा, देता नहीं है। आज ये सारे दिन मेरे भाई का जन्मदिन है तो दावत भी कुछ नहीं है, जो करेगा वही चलेगा। चल भाई चलो भाई, भाइयों मिलते हैं, पहले हम खाना खा लें उसके बाद मिलते हैं, ठीक है चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओके 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 हम लोग जा रहे हैं पाशा पे खाने, ये बर्थडे बना रहा है, ये बर्थडे कर रहा है, हम रॉन्ग साइड तो नहीं जा रहे। सो हम लोग पहुंच गए हैं पाशा पे विशु की बर्थडे पार्टी के लिए, तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको हम लोग क्या क्या खाते हैं। वापिस आ चुके हैं, कैसा लगा खाना भी? खाना बहुत बढ़िया था। और कैसे ले गए गिफ्ट्स और बर्थडे कैसा था? सब कुछ ऑसम था, बहुत बढ़िया, इट वाज अ नाइस डे टुडे। ऐसा तो नहीं लगा कि मैं इंडिया में नहीं हूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, वेरी थैंक्स टू यू फॉर योर लवली गिफ्ट, बाय बाय। चलो ठीक है गाइस, इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को भी कैथेड्रल चर्च और पाशा की पूरी वीडियोस देखनी है तो कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में हमें इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करना, हम वो वीडियोस भी डाल देंगे। ओके बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग।